दिल्ली पुलिस ने एनआरआई अनमोल सरना की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि अनमोल की हत्या उसके दोस्तों ने नहीं बल्कि सोसाइटी के दो सिक्योरिटी गार्ड्स ने की है। दिल्ली पुलिस ने एनआरआई अनमोल की हत्या के इल्जाम में साउथ पार्क अपार्टमेंट में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करने वाले सुरेंद्र बाली और नरेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एनआरआई की हत्या की वजह ड्रग्स है। केदारनाथ के बैंक का रुपए से भरी तिजोरी पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को मिल गई है। इस तिजोरी से 1,90,00,000 रुपए मिले हैं। केदारनाथ में सफाई के दौरान तिजोरी मिली है। लखनऊ में एक इंजीनियर के घर से एक नाबालिग लड़की की लाश बरामद होने से सनसनी फैल गई। युवती इलाके के ही इंजीनियरिंग के घर के पीछे 6 महीने से काम कर रही थी। अलवर के भिवाड़ी में पुलिस ने खनन माफियाओं को अवैध खनन करने से रोका तो खनन माफियाओं ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस हमले में आईपीएस पारिश देशमुख सहित 9 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। दिल्ली से इलाहाबाद जा रहे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव को गाजियाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शरद यादव इलाहाबाद में आरक्षण को लेकर हो रही रैली में हिस्सा लेने जा रहे थे। एक बार फिर केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने किया है मुलायम सिंह यादव पर हमला। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने इस बार मुजफ्फरनगर में हुए हिंसा के बहाने मुलायम पर आग उगली है। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। इस बार मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी शरीक होने जा रहे हैं। बीजेपी आज दिल्ली से चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने जा रही रैली को राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। तेलुगु देशम के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए में शामिल होने का संकेत दिया है। नायडू आजकल पीएम